नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। राजस्थान रॉयल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उस वक्त तारीफ हो रही है राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की। हर कोई संजू सैमसन की कप्तानी की, उनकी बल्लेबाजी की, उनकी 3D अवतार की तारीफ कर रहा है, और यही तारीफ अब राजस्थान के हेड कोच कह सकते हैं संगकारा ने की है। संगकारा जो डायरेक्टर है राजस्थान क्रिकेट के, तो उन्होंने संजू सैमसन को लेकर बहुत बड़ी बात की है। संजू सैमसन को लेकर संगकारा ने कहा है कि राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन का जो 3D अवतार है वो उन्हें पसंद आया, और संजू सैमसन के इसी 3D अवतार ने राजस्थान को फाइनल में पहुंचाया। वो क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। दरअसल संगकारा ने अपने एक बयान में कहा है कि वो काफी मृदुभाषी है और शर्मिला है, लेकिन बल्ले से उसके हुनर का जवाब नहीं। उसने कप्तानी की कठिन भूमिका में खड़े उतरने के लिए काफी जुनून और जीत की भूख दिखाई है। विकेट कीपिंग, कप्तानी और जोश बटलर के साथ टीम का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होना आसान नहीं है, लेकिन इस सीजन में उसने सब कुछ बखूबी किया है। तो संगकारा के इस बयान से आप समझ गए होंगे कि 3D अवतार क्या है। पहले विकेट कीपिंग, उसके बाद में कप्तानी और उसके बाद में बल्लेबाजी जिस तरीके से संजू सैमसन ने IPL 2022 में की है वो कमाल की है। विकेट कीपिंग बेहतर की है, उसके साथ में कप्तानी की बहुत तारीफ संजू सैमसन की हो रही है। कप्तानी के तौर पर संजू सैमसन को बहुत बेहतर IPL 2022 में माना जा रहा है, और उसके साथ में जिस तरीके से संजू सैमसन ने अटैकिंग क्रिकेट खेला है, रन बनाए IPL 2022 में, तो बल्लेबाजी के तौर पर भी संजू सैमसन की इस वक्त खूब तारीफ हो रही है। तो ये संजू सैमसन का 3D अवतार है, जिसे राजस्थान के कह सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट संगकारा ने बहुत तारीफ की, और संगकारा ने ये बात बोली है कि संजू सैमसन ने समय के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। तो आपका संगकारा के इस बयान पर क्या कहना है? संजू सैमसन के 3D अवतार को, यानी कि विकेट कीपिंग, कप्तानी और बल्लेबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन इस वक्त परिपक्व एक परफेक्ट कप्तान बन चुके हैं? आपको जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।